ਬੀਬੇ ਚੱਕਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਚੌਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ बड़ी खबर है इस वक्त जालंधर से, जहां पर जालंधर के मकसूदा इलाके में पड़ते विवेकानंद पार्क में बच्चों के विवाद में हवाई फायरिंग की गई। हालांकि गोली हवा में चलाई गई, जिसके बाद माहौल दहशत भरा बना हुआ है इलाके में और लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। मौके पर पहुंची थाना 1 की पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी पंकज ने बताया कि शाम को साइकिल के टक्कर के बाद बच्चों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक बड़े ने उन्हें समझाया और घर भेज दिया, परंतु तो कुछ देर बाद एक बच्चे के पिता ने हवाई फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति मर्चेंट नेवी में कार्यस्थ है, जिसने गोली चलाई है। हालांकि पूरी वारदात की जो है जानकारी पुलिस को है और मामले की जाँच की जा रही है। जलंधर से ईशान जुनेजा की पूरी रिपोर्ट। गोली चलाई नहीं चलाई पर यह बंदे ने मेरे हाथों पहले ना मेरा गुंडा, यह बंदा है गुंडा भाई, ये धमकियां दिंदा वा करता है, बदमाश है ये बंदा। मैनू नहीं पता अज की कांड होया वा। मैं नाम की भाजी इस बंदे दा जेड़ा गुंडागर्दी कर साहिब सिंह पता कोठी मैनू दस्या भैं ते लक्ष्मण भाई है, मैनू कहता मेरे नाल ही कोठी है, ये बंदा मेरे धमकियां दिंदी आउट ते इहदे कैमरे दी रिपोर्ट आई नहीं मेरी। मैं इतने लड़ाई झगड़ा होया सी उस तों पहले ही, ते इहने मैनू कहा सीगा कि मैं तुहानू चुका देना, तू मेरे घर दे बाहर कैमरे लगे तू करदा पिया वा, ये बन्ने ने मैनू गुंडागर्दी पहले दिखाई है। अज की गल सी पता, अज दा मैनू पता ही नहीं, मैं तां हुणी आया वा। मैं तो सक्षम कर लड़ा की गल की हुई बेटा, की देखिया तुसी? आपा दे बस आपा इदे ही आ रहे सी तुरदे फिरदे, अंकल नु आपा गोली चलांदे देखे, नाल ही आपा अंकल इधर नु आ रहे, आपा भज्जे उत्थों दी फटाफट लुक गए सी। बेटा केड़े अंकल जिन्हां ने गोली चलाई? आ सामने रहंदे मर्चेंट ने विच कम करदे ने। की नाम की बेटा उन्होंने? नाम नहीं पता, इन्नी जानकारी नहीं है। ते इस संबंधी तुसी पुलिस नु की कंप्लेंट कीती तुहाडे वड्डियां ने? हां जी कीती, पर ओह मन्ने नहीं रहे। शर्मा की गल की हुई भाजी? भाई शमी छोटा जिहा बच्चे नूं लैके आपस च हल्का जिहा झगड़ा सी जी, वो सिर्फ इन्हां दे बच्चे ने, इधर कलोनी च बच्चे खेडदे सी। किन्हां दे बच्चे ने भाजी? जिन्हां ने फायर कीता। की नाम की भाजी उन्हां दा? भाजी सॉरी मैनूं नाम नहीं पता, क्योंकि मैं मुक्तसर जॉब करदा। ओके, काम की करदे भाजी? ओह कुछ पता तुहानूं काम की करदे भाजी? ओह हां हुण सुनन च पता लगा नेवी च। ओके, की गल की हुई भाजी? ओह बच्चे ने इन्हां ने इधर दे जिहड़े कलोनी दे विवेकानंद पार्क च बच्चे खेडदे सी, उन्हां दे बच्चे नूं साइकिल नूं हिट कीता। ओके, ते ओह जदों वी साइकिल नूं हिट कीता, क्योंकि शाम दा टाइम सी 6 बजे दा, सारे बच्चे ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੂਲ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੀਵ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 7:30-8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਸਰ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਆ, ਵੀਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲਿਵ ਇਨ ਆਵਰ ਹੋਮ ਵਿਦ ਸੇਫਟੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੈਤ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ
दसना है कि बच्चे ने मैनू जी मेरे नाल मिसबिहेव किया, मैं मारिया कुटिया। इमीडिएटली वो ब्रदर भी मौके पर गए थे, उन्होंने फादर साहब मौके पर जान करके जो उ दोनों पार्टियां इकट्ठिया हुई तो मौके पर जोड़ा है उन्होंने एलीगेशन लाया कि भी फायर होया इतने, पर मौके पर सारा सर्च किया उत्थे फायर की कोई इदा की कोई गल तो आई नहीं सामने। उन्हों का घर भी सर्च किया गया तो जो साहब सिंह जी सर मौके दे विच एक बच्चे का भी कहना वा तो लेडी का भी कहना वा कि गोली चली है, पर उन्होंने सर यह कहना वा कि एस एच ओ साहब जो मौके पर कार्रवाई नहीं सही तरीके करे, इस बारे कहना सर तुहाडा कार्रवाई? मैं बंदा जो अक्यूज जो दस रहे हैं उन्होंने थाने ले गए ने, वो थाने बैठे ने वेरीफाई करने वास्ते उन्होंने घर का सर्च दो बार कर लिया, मौके पर भी आप सर्च कर रहे जी गोली वगैरह दस रहे भी गोली चली, इदा का मौके पर कोई सर्च दौरान कोई नहीं पाया। आरोप जो ने हवाई फायर का लगाया? हाँ हवाई फायर का लाया सर। मौके पर कोई खोल वगैरह मिले? मौके पर कोई खोल वगैरह इदा का कोई मिले नहीं। कुछ है लसेंसी वगैरह कोई नहीं उन्होंने को है छुट्टी दे आए ने जिन्हां दे उपर एलिगेशन लग रहे उन्हां को वैपन कोई लसेंसी वैसे है? लसेंसी वैपन वगैरह कोई नहीं है साडे जिहड़े डिपार्टमेंट साडे दफ्तर या कोई इदां दा कोई वैपन वगैरह उन्हां नूं जारी नहीं होया।